हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। अभी है ब्रेकफास्ट टाइम, तो मम्मी किचन में बना रही है हमारे लिए ब्रेकफास्ट। तैयारी सब कुछ मैंने ही करके दिया है और रेसिपी भी मेरी है। आटा लगा के सब कुछ करके मैंने मम्मी को दिया है और मम्मी अभी बना रही है। तो आज हमारे घर पे ब्रेकफास्ट पे बन रहा है थेपले। तो प्रॉपर गुजराती स्टाइल तो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा उसमें बंगाली स्टाइल का टच भी है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी थेपले बना रही है, देसी घी का बनाया हुआ थेपले। और यहाँ पे भी मम्मी ने सारे थेपले बना के रख दिया है और पता कि अच्छा बेटा दूध दो और दो बाकी है, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे थेपले केचप के साथ। और मेथी का साग यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था तो ये मैंने रख दिया है, ये दोपहर को बाकी का भी और भी थोड़ा सा मेथी का साग है वो एक साथ मिला के दोपहर को साग मम्मी बना लेंगी। तो थेपले का रेसिपी बहुत इजी है लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली सुबह ना हम लोग लेट उठे थे और उठने के बाद ब्रेकफास्ट बनाने के चक्कर में मतलब जल्दीबाजी में मैंने काम वगैरह सब कुछ कर रही थी ना, तो इसलिए उस टाइम पे आप लोगों से मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। तो थेपले मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है। मैं आप लोगों से बाद में कभी थेपले की रेसिपी शेयर कर दूंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है, बहुत ही इजी है बनाना। और मेरी बहन उसका तो अभी ऑनलाइन क्लास कुछ दिन से नहीं चल रहा है, तो सुबह सुबह उठ के यहाँ पे खिड़की में थोड़ा सा धूप आती है ना, तो धूप पे बैठी हुई है वो और की कर चीज मोबाइल चला रही है। और क्या, बस मुझे पैकिंग करना है। मम्मी दुकान से इतने सारे चीज़ें ला के रखी है जो कुछ भी नोएडा में फ्रिक्वेंटली मिलता नहीं है, या तो फिर अगर मिल भी जाता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, या तो कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जो मिलता ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मम्मी ने ला के रखा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे है तड़का का पैकेट और यहाँ पे है कुछ पापड़, सौरभ का बहुत पसंद है। और यहाँ पे कुछ अगरबत्ती के पैकेट्स है जो वेस्ट बंगाल में ही मिलता है, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल इस कंपनी का अगरबत्ती नहीं मिलता है और इसका स्मेल बहुत ही बढ़िया होता है, तो इसलिए हम लोग जब भी घर से जाते हैं ना नोएडा तो ये अगरबत्ती के पैकेट ज़रूर लेके जाते हैं। और यहाँ पे कुछ बिस्किट्स है, बेक्ड बिस्किट्स। और यहाँ पे एक टाइप का नमकीन है, भुजिया टाइप का है, ये भी नोएडा में नहीं मिलता। और है यहाँ पे खिचड़ी का पैकेट, ये एक टाइप का खिचड़ी है, बंगाली में लिखा हुआ है, आप शायद समझ पा रहे होंगे जो लोग बंगाली समझते हैं। तो श्री भोग का इंस्टेंट खिचड़ी का पैकेट, तो इसमें सब कुछ मिला के ये पूरा रेडी है, ठीक है। इसको बस गर्म पानी में डाल दो, ये खिचड़ी बन जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो ये भी मैं 3-4 पैकेट लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे और एक टाइप का बिस्किट भी है। और यहाँ पे है केक, एक टाइप का केक है यहाँ पे, जो कि क्रिसमस में मम्मी कल लाई थी, 2 डब्बा सेम है ना, डब्बा बहुत प्यारा है, 3 का डब्बा है। तो ये वाला डब्बा तो कल हम लोग काट के खाए थे केक, और ये वाला पूरा एकदम सील पैक्ड है, आप देख ही सकते हो। तो ये वाला मम्मी भेज रही है सौरभ के लिए, क्योंकि पता नहीं कि सौरभ वहाँ पे केक खाया है कि नहीं, तो इसलिए ऑब्वियसली वो अकेले के लिए केक खरीद के खाएगा नहीं, तो इसलिए मम्मी एक डब्बा सौरभ के लिए भी भेज रही है मेरे हाथों से, कि मतलब मम्मी का प्यार जो होता है वही। और मेरा पैकिंग भी बाकी है, कपड़ा वपड़ा सब कुछ यहाँ पे फैला के रखा हुआ है, आप देख ही सकते हो। सारे कपड़े मुझे पैक करना है, रात तक सब कुछ मुझे कंप्लीट करना है और फिर कल सुबह 5:30 बजे मैं निकल जाऊंगी। गर्मा गर्म थेपले अभी परोसा जा रहा है। एक्चुअली थेपले तो चाय के साथ अच्छा लगता है, लेकिन चाय हम लोगों ने ऑलरेडी सुबह पी लिए थे, तो इसलिए हम लोग खाएंगे केचप के साथ। हाँ, एकटा करे थको, ठंडा हो जाए ना, गरम गरमटाई खेता है। गर्मा गर्म थेपले मुनु स्वास्थ्य दे, स्वास्थ्य दे। মুছে নে, হাত দিয়ে মুছে খেয়ে নি।
মাটু খেয়ে বলো কেমন হয়েছে? দেখতে তো দারুণ হয়েছে, সুপার। বুনো একটু বল, দারুণ। ये पूरा वेज है, प्योर वेज है थेपले, तो इसीलिए बेड पे थाली रख के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन वेज तो कभी नहीं खाते बेड पे बैठ के, वेज है इसीलिए खा रहे हैं। और ये है मेरा थाली। हाँ, नॉन वेज अगर बेड पे बैठ के खाओगे ना तो मम्मी से बुरा और कोई होगा ही नहीं। रेसिपीटा शेयर करो दीदी, दारुण है। दारुण दारुण। सो अभी है लंच टाइम और नहा धा के अभी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। मैं, बहन और मम्मी फ्लोर पे ही बैठ के खा रहे हैं सब लोग मिलके एक साथ। आज लास्ट मतलब इस साल का लास्ट लंच आज हम लोग एक साथ कर रहे हैं। फिर मैं आऊंगी शायद एक साल बाद, तो फिर से उस टाइम पे हम लोग एक साथ बैठ के लंच करेंगे। और अगर बीच में मम्मी और बहन अगर मेरे वहाँ पे यानी नोएडा में अगर जाते हैं तो वहाँ पे जरूर एक साथ हम लोग खाना वगैरह फिर से खाएंगे। तो आज का लंच मैं बता देती हूँ। आज का स्पेशल लंच है चावल और उसके साथ है गोल गोल आलू भाजा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए मम्मी ये मुझे बना के दिया है। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड तो ना पॉपी सीड्स यानी खसखस भी स्प्रिंकल करके दिया है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। और यहाँ पे है मेथी का साग और है चावल। ये सुबह ब्रेकफास्ट का थेपला 2 बज गया था तो मेरी बहन एक खा रही है और मैं खा लूंगी तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे है डिलीशियस यम्मी हिल्सा फिश विथ मस्टर्ड सॉस, यानी पाती बंगाली में जो बोलते हैं सरसे इलिश, ठीक है, उसमें थोड़ा सा खसखस पेस्ट भी है। बहुत अच्छा होता है खाने में, बहुत अच्छा होता है, मतलब बंगाली में तो फेमस है ये। मोटे के तो ना एक टू कड़ा तो है। मेथी का साग हल्का सा थोड़ा सा कड़वापन होता है ना उसमें, इसलिए मेरी बहन को पसंद नहीं आया। बाकी का खाना मेरे तो हर एक खाना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मम्मी का हाथ का खाना है ऑब्वियसली। और हिलसा मछली भी मेरा फेवरेट है, आलू भाजा भी मेरा फेवरेट है, साग भी मेरा फेवरेट है। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी से। उसके बाद फिर मुझे बहुत सारा पैकिंग भी करना है, पैकिंग मेरा अभी भी बाकी है, सारा पैकिंग अभी तक हुआ नहीं है तो वो भी मुझे कम्प्लीट करना है। अभी शाम के टाइम पे मैं गई थी मेरे बुआ के घर मेरे दादी माँ से और बुआ से मिलने। मेरे दादी माँ का हाथ टूट गया है तो इसीलिए एक बार देखने के लिए गई थी उनको कि कैसा है क्या है, क्योंकि कल तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में निकल जाऊंगी और वो लोग कोई मिलने भी नहीं आ सकते, तो इसीलिए मैं गई थी। तो वहां पे मैं जाके और ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई क्योंकि दादी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, रो रही थी, तो इसलिए वहां पे मैंने ब्लॉग नहीं बनाई। तो वहां से घर आते टाइम मैंने आज ढेर सारे पानीपुरी खाई है क्योंकि पता नहीं फिर से कब खाऊंगी। नोएडा में तो यहाँ का वेस्ट बंगाल का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है पानीपुरी में, तो इसलिए मैंने ढेर सारा पानीपुरी खा लिया है। और घर आते टाइम मम्मी घर पे अकेली है, बहन गई है बाहर, तो मम्मी घर पे अकेली है इसलिए मम्मी के लिए और मेरे लिए मैं लाई हूँ चॉप, जो कि वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस है चॉप शिल्पो, तो चॉप में लाई हूँ। यहाँ पे है आलू चॉप और बेगुनी यानी आलू का पकौड़ा और बैंगन का पकौड़ा। बैंगन को ऐसे लंबा लंबा काट के ना इसी का पकौड़ा बनाया जाता है बेसन में तल के, बहुत टेस्टी बनता है। और मम्मी और मैं अभी टीवी देखते देखते ये खाएंगे। यूजुअली इसके साथ ना मतलब बेसिकली इसके साथ मुरमुरा अच्छा लगता है, लेकिन आज पेट थोड़ा सा फुल है पानीपुरी वगैरह खा के, इसलिए मुरमुरा नहीं खाऊंगी, सिर्फ चॉप ही हम लोग खाएंगे। और उसके बाद मुझे बाकी का पैकिंग भी करना है। देखिए यहाँ पे सब कुछ फैला के पड़ा हुआ है, खाने पीने का है ना, तुम्हें ठंडा है जीवन, खाने पीने का चीजें जितने हैं ना वो सब मैंने अभी तक बैग में डाला नहीं है। और बाकी का मेरा कपड़ा वगैरह जो है, कपड़ा वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर लिया है, बस थोड़ा सा एंड मोमेंट का पैकिंग जो बाकी रहता है जो कि कल सुबह करने वाली हूँ एंड मोमेंट में, वो कल ही करूँगी। और बाकी अभी ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद मैं बाकी का पैकिंग कंप्लीट कर लूँगी
और उसके साथ चल रहा है टीवी, मम्मी का फेवरेट सीरियल्स वगैरह चल रहा है और मम्मी चॉप खाते खाते अभी टीवी देख रही है। तो चलिए चॉप ठंडा होने से पहले जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं और उसके बाद करना है ढेर सारी पैकिंग और बहुत सारी बातें और घर का भी छोटा मोटा कुछ काम करने को है। और देखते हैं डिनर में मम्मी आज क्या बनाती है स्पेशल। और अभी रात काफ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, अभी टाइम हो रहा है 9 शायद। और मम्मी का सीरियल वगैरह ख़त्म हो गया है और मैंने भी मेरा पैकिंग कंप्लीट कर लिया है। फाइनली मेरा पैकिंग हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बैग हुआ है अभी तक के लिए। एक बैग तो, बड़ा वाला बैग तो बहुत ही ज़्यादा भारी है और छोटा वाला बैग थोड़ा सा हल्का है, दोनों ही लगेज में ही जाएगा। और एक छोटा सा पतला सा एक बैग आप कॉर्नर में देख सकते हो पिंक कलर का, उस बैग में जाने वाला है खाना। यानी अभी तो बाहर का खाना इतना मम्मी प्रिफर नहीं कर रही है, डांट पड़ रही है बहुत, क्योंकि कल भी हम लोग बाहर खाना खाए थे तो मम्मी बोल रही है कि डेली बाहर का खाना सही नहीं है, तो मैं सब कुछ खाना पैक करके दे दूंगी, तुम रास्ते में वही खाना खाओगे, तो इसीलिए घर से मैं खाना भी लेके जा रही हूँ। वैसे फ्लाइट में तो खाना मिलेगा लेकिन मुझे घर से एयरपोर्ट जाने में 5 से 5.5 घंटा लग जाएगा बाय ट्रेन, तो इसीलिए ट्रेन में मील नहीं है, तो इसीलिए घर से मम्मी जो खाना भेजेगी मैं वही खाऊंगी एज ब्रेकफास्ट एंड लंच। और फ्लाइट में अगर खाना ज़रूरत पड़े तो ले लूँगी, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो घर जाके यानी नोएडा जाके डिनर करूँगी। तो खाना वगैरह यहाँ पे खाने का सामान जो कुछ भी था टेबल में सब कुछ मैंने बैग में भर लिया है और अभी भी थोड़ा थोड़ा कुछ बचा हुआ है, ये मम्मी के लिए मैंने छोड़ा है, सब कुछ मैं लेके नहीं जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ जो कुछ भी मम्मी मेरे लिए खरीद के लाई थी मैंने भी मम्मी के लिए थोड़ा बहुत सब कुछ रख दिया है। और मम्मी अभी बना रही थी मेरे लिए एक कुछ स्पेशल खाना जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो उसको बंगाली में बोलते हैं भाजा पुली और हिंदी में मुझे पता नहीं कि हिंदी वाले यानी नॉन बंगाली जो लोग हैं वो लोग जानते हैं कि नहीं इस बारे में, या तो शायद जानते भी होंगे कि कोई और नाम से जानते होंगे शायद, तो इसको बोलते हैं भाजा पुली। ये मूंग दाल का बनता है फ्राई किया हुआ, तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, नमकीन होता है ये, थोड़ा सा तीखा थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये मम्मी मेरे लिए भेजी है थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये भी मैं रास्ते में ही लेके जाऊंगी स्नैक्स के हिसाब से, ये हम लोग खा सकते हैं। तो ये तो हो गया और पहन के जो जाना है वो सब कुछ मैंने सोफे में निकाल के रख ही दिया है, सुबह वो मैं पहन के चली जाऊंगी और बाकी का सब कुछ मैंने बैग में पैक कर लिया है। और हमारा डाइनिंग टेबल का हालत देखिए, मम्मी ने इतना कुछ बनाया है ना आज पूरा दिन, सुबह से मतलब ब्रेकफास्ट से लेके, आप लोग तो जानते ही हो कि ब्रेकफास्ट में जो आज हमारा थेपला बना था उससे लेके डिनर तक पूरा खाना वगैरह सब कुछ बना के यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ फैला हुआ है, पूरा टेबल में कहीं पे जगह ही नहीं है कि कुछ और सामान रखो। तो अभी भी मम्मी किचन में ही है, तो क्या कर रही है मैं आपको बताती हूँ, बट चिमीटा बंद करो पहले तो आज का एक बार भेज। तो मम्मी अभी किचन में ही है, मम्मी रात के लिए किचन झाड़ को आलू भजाना बना, हाँ मम्मी रात के लिए आज बनाई है पूरी, ठीक है, पूरी मेरा बहुत फेवरेट है और उसके साथ आलू भाजा यानी आलू फ्राई, ठीक है, तो पूरी के साथ आलू भाजा मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मम्मी पूरी और आलू भाजा बनाई है। तो ये देखिए यहाँ पे है आलू भाजा और पूरी अभी बनेगा, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है मम्मी ने और ये आटा लगा के यहाँ पे रख दिया है, बनेगा पूरी, मैं बेलूंगी और मम्मी पूरी को तलेंगी। और यही पूरी और आलू भाजी मैं ब्रेकफास्ट में भी लेके जाने वाली हूँ, मतलब ट्रेन में खाने के लिए, और लंच में अभी ठीक नहीं है, मेरे साथ जो मेरा एक भाई जा रहा है शायद वो भी उसके घर से कुछ खाना लेके आएगा, या तो फिर अगर मम्मी के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा और कुछ टाइम होगा तो मम्मी शायद लंच भी बनाएगी, नहीं तो मैंने मम्मी को बोल दिया है कि लंच मत बनाओ, पूरी ही थोड़ा ज़्यादा पैक कर दो ताकि ब्रेकफास्ट में भी खा सकूँ और लंच में भी खा सकूँ, और अगर नहीं हो पाएगा टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वहाँ पे सियालदह स्टेशन में वहाँ पे भी हम लोग खा सकते हैं चावल, वेज थाली या नॉन वेज थाली कुछ भी खा सकते हैं। तो बस चलिए, बहन अभी पढ़ाई कर रही है,
उसका तो अभी ऑनलाइन क्लास खत्म है अभी, शायद और एक दो दिन उसका, नहीं मंडे से उसका क्लास है, तो अभी उसको दो दिन थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है, तो वो अपना खुद का पढ़ाई भी कर रही है इसके साथ साथ। तो मैं अभी जाऊंगी पूरी बनाने के लिए, माँ लोई गुलो कोड़े हमारे डेको हाँ पूरी बनाने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे भी टेबल वगैरह साफ करूंगी। ये केक जो है ना, ये केक मम्मी क्रिसमस के लिए लेके आई थी, तो ये हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है जो कि रात को डेजर्ट में हम लोग खत्म कर देंगे। मम्मी तो बोल रही थी डेजर्ट में खीर वगैरह भी बनाएगी, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि आज मम्मी सुबह से किचन में है, सुबह से मतलब नींद से उठ के आज मैंने खुद के लिए कॉफी या टी भी नहीं बनाई, मम्मी ने ही सब कुछ बना के दिया, तो सुबह से मम्मी किचन में है, तो इसीलिए मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है कि मम्मी अभी खीर बनाने के लिए फिर से किचन में रहे, तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि क्रिसमस केक जो है वही हम लोग खा लेंगे डिनर में, तुम और कुछ मत बनाओ। तो बस ऐसे ही चल रहा है, कैसे कैसे डेढ़ महीने कट गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ अच्छा एक चीज़ अभी मुझे याद आया, यहाँ पे मेरा दवाई का पैकेट रह गया था, ये मुझे याद ही नहीं था, अभी आप लोगों से बात करते करते मेरा आँख उधर गया तो देखा कि दवाई का पैकेट वहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरा रात का एक दवाई है, वो लेने के बाद ही मैं दवाई का पैकेट अंदर बैग में डालूंगी। मैं पैकेट को बैग के ऊपर रख देती हूँ, पैकेट को बैग के ऊपर रख दिया ताकि मैं उसको देखते ही मुझे याद आ जाए कि उसको भी बैग में डालना है। तो अभी मैं भी चलती हूँ किचन में, मम्मी को हेल्प कर देती हूँ थोड़ा सा। सो फाइनल पैकिंग भी मेरा कंप्लीट हो गया है और दोनों बैग रेडी है, लेकिन एक बैड न्यूज ये है कि बैग का चेन बंद करने के टाइम पे थोड़ा ओवरलोड हो गया था, तो चेन का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया है जिसको मैंने सेफ्टी पिन से मैनेज किया है, क्योंकि अभी और टाइम नहीं है, रात को 10:30 बज गया है कहीं पे, मुझे मैं इसको और ठीक नहीं कर पाऊंगी और इतना बड़ा, और मेरे पास लगेज बैग भी नहीं है, तो इसलिए क्या करूं, इसी में मैंने मैनेज कर लिया। तो यह बड़े मेरे पीछे खड़े होके केक खा रही थी ये चुप चुप के, और अभी भाग के जा रही है कहीं पे। क्रिसमस केक यस हाँ? तो केचप दे खा चलीस भाजा केक खा रही थी वो केचप लगा के भाजा फूली मीत बोल भी ना तुम्हारे एक हाथ में केचप का बोतल था और एक हाथ में केक था। पसंद अपना अपना बोल रहे, पसंद अपना अपना, मम्मी का प्यार ले रही है वो अकेली। रुको मैं भी आती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ खाना वगैरह पैक करके दे दिया है, इसमें मम्मी ने केक भी दे दिया है थोड़ा सा कल रास्ते में खाने के लिए, और इसमें है भाजा पुली, और इसमें आलू भाजी है, और ये स्टील का डब्बा जो है इसमें है पूड़ी। तो ये सब अभी बैग में पैक करना है, मैं भोरे दवाई बड़ेटा है। और अभी हम लोग डिनर करेंगे, डिनर करके सो जाएंगे। आज सोचे थे कि बहुत जल्दी सो जाएंगे, 9:30 बजे तक सो जाएंगे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना है, 4:30 बजे तक कल उठना है, 5:30 बजे घर से निकल जाना है हम लोगों को, लेकिन हुआ नहीं। ये इतना सब कुछ करते करते थोड़ा सा टाइम लग ही गया, तो ठीक है चलिए अभी खाना खा के फटाफट खाना खा लेंगे और सो जाएंगे, बहुत ही जल्दी जितना जल्दी हो सके ट्राई करेंगे। কেন যদি কেক খেয়ে যাচ্ছিস তখন থেকে এটা কত নম্বর কেক খেতে পারবে না আর তুই রাতে কিছু খেতে পারবি না আর রাতে যদি খেতে না পেরেছিস মা তোর পিঠ ফাটিয়ে দিবে। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी जल्दी बाकी का काम जो कुछ भी है डिनर वगैरह सब कुछ खत्म करके सो जाते हैं, और मुझे वीडियो एडिट भी करना है सोने से पहले, नहीं तो फिर कल अपलोड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आई डोंट नो कि एयरपोर्ट में कितना क्या मैं अपलोड कर पाऊंगी मोबाइल डेटा से, क्योंकि मेरे पास कोई पॉकेट वाईफाई है नहीं, तो मोबाइल डेटा से ही मुझे अपलोड करना पड़ेगा। अगर लेट हुआ तो मैं रात तक भी अपलोड करूंगी, घर पहुंच के फिर मैं अपलोड करूंगी, रात को मैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके रखूंगी। तो मम्मी थक गई है यहाँ पे पूरा दिन काम करके, अभी मम्मी लेट के थोड़ी सी रेस्ट ले रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज इस रूम को आप लोग लास्ट टाइम के लिए देख रहे हो, कल से फिर वही जान पहचान सी लिविंग रूम बेडरूम किचन सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेरा नोएडा वाला घर। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नए हैं तो,
और ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए, बहुत सेफ रहिए आप लोग, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए और हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। गुड नाइट, हाइजीन रहिए, गुड नाइट, बाय बाय। मुन्नू बाय करो दा, बाय माँ, बाय करो दा, बाय। चलिए बाय।